हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 29 जनवरी बुधवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज कौन से विशेष क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, संस्कृति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सको, इसके लिए क्या करें, क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आज के दिन तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको आज के दिन काफ़ी अच्छे खुशियों के सौगात मिल सकेंगे। आज आप खुद को ऊर्जापूर्ण महसूस करोगे। जीवन साथी को किसी कार्य में सफलता मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। माता पिता के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं और किसी करीबी से आज आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस राशि के छात्रों को आज पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। घर में सुख शांति बनी रहेंगे। ऑफिस के काम से आपको विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ लोगों को आपकी मदद की जरूरत पड़ेंगे। इस राशि के जो लोग वेब डिजाइनर्स हैं उन लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी फायदेमंद रहेगा। किसी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आ सकते हैं। आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं। आपको अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है और किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पुराने रुके हुए काम शुरू हो जाएं। ऑफिस में आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है जिसको पूरा करने में आपको आने वाले दिनों में फायदा होगा। एक्स्ट्रा मेहनत से आपको फायदा जरूर मिलेगा। आज आप पुराने हिसाब किताब में एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। घर और शहर से बाहर जाने के योग भी बन रहे हैं। मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आज के दिन होने वाली है। धन से संबंधित मामलों में सफलताएं मिलेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को मुनाफे मिलेंगे। आप बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप जो भी कार्य हाथ अपने हाथों में लोगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होंगे। आप लोगों से अपने कार्य निकलवाने में सफल रहेंगे। पैसों के मामले में आपको सफलता मिलेगी। आपके ऊपर चारों दिशाओं से पैसा बरसने वाला है। कोई बड़ी टेंशन आपकी खत्म हो सकती है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जीवन में काफ़ी तरक्की कर सकोगे और विवाह से संबंधित प्रस्ताव आने के योग दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन आप अपने व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। जीवन साथी से संतान की खुशखबरी प्राप्त होंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप हर प्रकार के सुख साधनों को प्राप्त कर सकोगे और रुके हुए कार्य पुनः प्रारंभ होने वाले हैं। पैसा कमाने या निवेश करने का कोई मौका आपको अचानक मिल सकता है। खुद पर भरोसा रखें। भागदौड़ भी बहुत अधिक रहेंगी। आसपास के यात्रा होने के योग हैं। महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत कर सकते हैं। विचार विमर्श में आपको कुछ नई बातें पता चल सकती हैं। आप अपने घर में खुशियों का माहौल बना सकोगे। आपके रुके हुए कार्य, रुके हुए धन दौलत आपको निश्चित तौर पर मिलने वाले हैं। आपको अपने घर में अपने पिता का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा जिससे आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। यात्राएं करने से आपको बहुत सारी जानकारियों की भक्ति होने वाली हैं जिनके बारे में जानकर भी आप काफ़ी खुश होगे। अगर आप व्यापार थोड़ा पैसा लगाकर शुरू करते हैं तो आपको जल्दी ही अपने व्यापार में ढेर सारा लाभ देखने को मिलेगा। बच्चों की तरफ से आज के दिन कोई बड़ी खुशखबरी हाथ लगने वाली है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुला राशि वाले जातकों की हर इच्छा पूरी होंगे और हर एक मनोकामनाएं पूरी होंगे। सारे रुके हुए काम फिर से चलने लगेंगे। घर में खुशियों का त्यौहार होगा। टूटे हुए रिश्ते भी फिर से बनने लगेंगे। आपको समाज में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी का भी योग दिख रहा है।
आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी के भी बहकावे में आकर कोई बड़ा कदम ना उठाएं, जितना हो सके लोगों के साथ मिलने जुलने और उनके साथ कार्य करने का प्रयास करें। आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में काफ़ी अच्छे और सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे, लोगों के बीच प्रशंसा के पात्र बनोगे और जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हैं, आपको अगर वाहन खरीदना है या प्रॉपर्टी को लेकर आप अपने जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। रिश्तों को लेकर मन में उतार चढ़ाव हैं, इच्छा भी बहुत हैं और असमंजस भी बहुत हैं। जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसमें कई तरह की चुनौतियां भी नज़र आ रही हैं। लोगों को खुश रखना एक बड़ी चुनौतियां साबित होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति कर सकोगे और लोगों के बीच आप प्रशंसा के पात्र बनोगे। आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है आपको सबसे पहले माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको केवल तरक्की ही हासिल होने की संभावना है। रिश्तेदार से आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। भाई बहन आपस में संबंध मिलाकर रहने वाले हैं। प्रेमी जोड़ियों के लिए आने वाला समय और भी अच्छा रहने वाला है। आपको अपने जीवन में अनेक बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके ऊपर विष्णु जी की कृपा रहने वाली है। भगवान विष्णु का नाम लेकर आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा लोगों को चर्चा में रखने का प्रयास करना चाहिए। बार बार लगातार अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको काफ़ी निराशा के बादल हटते हुए दिख रहे हैं। अगर आप जीवन में तेजी से प्रगति करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान को हासिल कर सकोगे और कामयाब हो सकोगे। आपको आज के दिन कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या फिर सैलरी बढ़ोतरी के लिए अच्छे मेहनत करनी होंगे। धन लाभ का संयोग है। आपको अपने कारोबार में भारी लाभ होने की संभावना नज़र आ रही हैं। आपके कार्य क्षेत्र में तरक्कियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। आपको किस्मत का, भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करोगे वो सारे के सारे कार्य पूरे होंगे। आसपास के माहौल शांत और सुखद रहेगा। दिन आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। विद्यार्थी वर्ग को भी आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। आपके प्रेम जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक मामलों में और सुधार आएगा। आपको विकास के अवसर भी मिलने वाले हैं, जिसे आप चुनौतियां समझकर सावधानीपूर्वक कार्यों को करोगे। कोई भी काम करने से पहले उसके लाभ और हानि के बारे में आप जरूर सोचें। किसी भी बात पर जरूरी से अधिक चिंतन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप अपने दफ्तर में जल्दी से जल्दी कामों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं और सारे काम लोगों को काफी पसंद भी आएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय धन का लाभ होने के प्रबल योग दिख रहे हैं। अगर आप धन निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी समय काफ़ी शुभ है। आपको इसके साथ साथ दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। दिन के दूसरे हिस्से में आपको कुछ दिलचस्प और रोमांचक काम करने के लिए बढ़िया वक्त मिलेगा। आप अपने प्रिय को माफ करना ना भूलें। खाली वक्त में आप कोई फिल्म देख सकते हैं। यह फिल्म आपको पसंद नहीं आएंगी और लगेगा कि आपका कीमती वक्त जाया हो रहा है। आप अपने दिनचर्या के चलते व्यस्त रह सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पैसों से संबंधित पहले किया गया प्रयास आपको जल्द ही फायदा पहुंचा सकता है। पैसों की स्थिति में जल्द ही अच्छा सुधार होगा, लेकिन जरूरत से अधिक खर्च से आपको बचना चाहिए। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई परेशानियां हैं तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से आपको बात करके अपनी समस्याओं का हल भी निकलवाना चाहिए। आस्था के किसी विषय को लेकर मित्रों के साथ आपकी तनातनी हो सकती है। किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले आपको बचना चाहिए, अन्यथा उसका गलत अर्थ निकल सकता है। बोलने की अपेक्षा सुनने पर अधिक ध्यान दें। किसी से भी बहसबाजी में आपको बचना चाहिए। अधिकारियों से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा।
आप अपनी शारीरिक सेहत सुधारने के लिए संतुलित आहार लें। केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू करें और जरूरत से ज्यादा वक्त पर पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करें। दिन को खास बनाने के लिए शाम को परिवार के साथ किसी अच्छी जगह खाने जा सकते हैं। रोमांस को झटका लगेगा और आपके कीमती तोहफे भी जादू चलने में विफल कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिणाम और सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। आपके जीवन में खुशियां बढ़ोतरी होंगे तथा लोगों के साथ मिलना जुलना लगा रहेगा। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां बिंदु।